नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जौनपुर महाराजगंज क्षेत्र के साहू नगर गड़ेरिया स्थित जगन्नाथ शिक्षण संस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज पर आयोजित विदाई समारोह सह वार्षिकोत्सव समारोह में छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम नृत्य नाटक कव्वाली देख दर्शक भाव विभोर हो गए। बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि संस्कार मानवता के बिना शिक्षण कार्य बेकार है। उन्होंने कहा कि माता पिता जन्म देते हैं, शिक्षक जीवन देते हैं, इसलिए गुरु के दिखाए रास्ते पर चले तभी उनके जीवन का विकास संभव है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी बसंत शुक्ला ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ये विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए भी अपने में मिसाल है। बच्चों के कार्यक्रम ने भाव विभोर कर दिया। बच्चों ने डांडिया गीत व राधा कृष्ण नृत्य, मोहन मुरलिया नाटक, डोली तारों के गीत बाजे व स्वागत गीत सहित दर्जनों कार्यक्रम प्रस्तुत किए। गांव में हम पशु आश्रय केंद्र बना रहे हैं। आज हमारी बैठक है और अभी लगभग 14 अभी गौशाला हमारी बदलापुर विधानसभा में बन रही है। हमारा ये लक्ष्य है कि एक साल के अंदर हर ग्राम सभा में जो है गौशाला हो। और जो जल संरक्षण को काम किया गया। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, सीमन, हमने एक ऐसा सीमन लाया है कि जिससे कि बछिया ही पैदा होगी, बछुआ नहीं पैदा होगा। और उस सीमन को चढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने 10 गांव फ्री चिन्हित किया है। और उसके साथ साथ फ्री चिन्हित के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 300 रुपये एक सीमन की कीमत है। 300 रुपये में गारंटी, 90% गारंटी बछिया ही पैदा होगी। जल संरक्षण पे हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। जितने जूनियर हाई स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, सब पर हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्राइवेट भी जितने विद्यालय हैं उस पर भी हमारी सरकार ने आदेश दे दिया है कि मान्यता उसकी रद्द होगी अगर वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाएगा। 3-4 साल पहले उसको मुक्त कर दिया लेकिन आज तक नहीं बगल में। उसको हम देख लेते हैं, हमारे संज्ञान में एक बार आया था लेकिन उसकी पत्रावली नहीं आ पाई। और उसका उसका पत्रावली हमको मिल जाए तो उस पर हम जरूर काम करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ तालाब उसको हम थोड़ा जानकारी कर लेते हैं क्योंकि कई तालाब का काम चल रहा है और जिन तालाबों का काम नहीं चला उसके बारे में सिंचाई। अभी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, 2 तालाब आपके बदलापुर में लगभग 50 लाख की लागत से खुदने जा रहे हैं, जिसकी स्वीकृति हो गई, टेंडर हो गया, बारिश के नाते रुका था, शायद उसमें वह तालाब होगा। अब मुझे कन्फर्म नहीं, नाम हमारे कार्यालय से मिल जाएगा। 2 तालाब हमने स्वीकृत किया। धन्यवाद। सभा के लोगों का रास्ता है, आम रास्ता है, गाँव सभा में एक ही रास्ता जाता है। और गाँव सभा ने हमसे गा के अपील किया कि विधायक जी आप एक सड़क बनवा दीजिए। जब हमसे लोगों ने कहा तो मैं तो मेरा काम है काम करना, मैं तो यार काम कर रहा हूँ, उसमें क्या विवाद है, कौन क्या कह रहा है, मेरे खिलाफ क्या दुष्प्रचार कर रहा है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं तो विकास करूँगा तो दुष्प्रचार तो होगा ही। विकास आसानी से नहीं होता है। क्या भी आप सड़क बनवाओगे, नाली बनवाओगे, नौदान बनवाओगे तो कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि विरोध करते हैं। अब उनके विरोध के नाते मैं काम बंद कर दूँ? अगर वह आबादी की जमीन है और उसकी नहीं है तो वहाँ सड़क बन के रहेगी और पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी। अगर उसकी अपनी निजी जमीन है तो सड़क नहीं बनेगी। जौनपुर से केकेडी न्यूज ब्यूरो ओम प्रकाश सेठ की रिपोर्ट। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए केकेडी न्यूज।